दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से जरूर लाइक करें। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक्स का है, इसलिए एक लाइक तो ध्यान से ही कर दीजिए। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2021 के पहले क्वालिफायर मैच में बेहद ही रोमांच देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें यहां पर सबसे पहले तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ऋषभ पंत, इसके अलावा सिमरन हेटमायर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वहीं दोस्तों इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर में शानदार चौके लगाकर पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हां, आगे इस वीडियो में दिखाएंगे आपको पूरी हाइलाइट्स, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों इस मैच की बात की जाए तो आपको बता दें यहां पर सबसे पहले दिल्ली की टीम ने बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ 34 गेंदों में 7 चौके और 3 लंबे छक्के मारे और कुल 60 रन ठोक डाले। इसके अलावा यहां पर शिखर धवन ने 7 गेंद में 7 रन बनाए, श्रेयस अय्यर 1 रन बनाकर आउट हुए और वहीं अक्षर पटेल 11 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हुए। इसी तरह से यहां पर दिल्ली की टीम काफी ज्यादा दबाव में दिख रही थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत, जिन्होंने क्रीज पर आते ही शानदार बल्लेबाजी शुरू की और 35 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के ठोकते हुए कुल 51 रन ठोक डाले। इसके अलावा सिमरन हेटमायर ने भी 24 गेंद में 3 चौके और 1 छक्का मारा और कुल 37 रन ठोक डाले। और दोस्तों यहां पर इन्हीं की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर कुल 172 रन बनाए। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि पहले ही ओवर में फाफ डुप्लेसी 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। आपको बता दें इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिन्होंने काफी हद तक सीएसके को संभाले रखा। एक तरफ जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के ठोके और कुल 70 रन बना डाले, इसके अलावा रॉबिन उथप्पा ने भी 44 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के ठोककर कुल 63 रन ठोक डाले। इसके अलावा यहां पर शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए, जो कि पहली ही गेंद पर चलते बने। इसके बाद अम्बती रायडू भी 3 गेंद में 1 रन बनाकर रन आउट हुए। और दोस्तों आखिरकार फिर यहां पर एक वक्त ऐसा आया जब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। यहां दोस्तों क्रीज पर थे महेंद्र सिंह धोनी और यहां पर दूसरी गेंद पर धोनी ने एक शानदार चौका मारा और टीम को जीत के करीब ले गए। और उसके बाद दोस्तों धोनी ने वही किया जो वो हमेशा से करते हुए आए हैं। जी हां, ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से एक शानदार चौका मारा और फिर चौथी गेंद पर एक और चौका मारते हुए यहां पर सीएसके को आखिरकार ये मैच जिता दिया। आपको बता दें सीएसके ने 4 विकेट से यह मुकाबला जीता, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने 6 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का मारते हुए कुल 300 की स्ट्राइक रेट से 18 रन ठोक डाले। ऐसे में दोस्तों यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आखिरकार चेन्नई को आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंचा दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में चेन्नई की खतरनाक बल्लेबाजी कैसी लगी, खासकर महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।